जो आप देख रहे हैं यह है कोर्स जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो बेसिकली वेन डायग्राम बेस्ड टाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में है। अगर आप इस कोर्स को पूरा देखते हैं, जिसमें टोटल 11 वीडियोस हैं, एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेन डायग्राम जो मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और उसके बाद लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लेवल 1 से लेवल 10 तक के क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे साथ, तो इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि सारे के सारे टॉपिक जो होंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड वो आपके कवर हो जाएंगे। चाहे वो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी क्लर्क प्री का या फिर पीओ प्री का या फिर कोई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सभी के सभी इस लेवल्स में वो क्लैरिफाई किया गया है। और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल करेंगी। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लेवल 1 से लेकर लेवल 10 के कैटेगरीज में डिफाइन किया है। तो लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, लेवल 4 तक प्रीलिम्स लेवल होगा, उसके बाद लेवल 4 के बाद लेवल 10 तक जो होगा वो मेंस लेवल होगा। उसमें आपका क्लर्क मेंस भी कवर होगा एंड पीओ मेंस भी कवर होगा। तो इसी के साथ बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो पहली स्लाइड लगी हुई है, उस स्लाइड को अगर आप देखेंगे गौर से, तो उसमें मेंशन किया गया है कि वेन डायग्राम बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर द लेवल 1, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई प्रीलिम्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में आपको ये बताते आया हूँ कि जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है डेटा को समझना, डेटा को इंटरप्रेट करना। डेटा को इंटरप्रेट अगर आप ठीक से कर पाएंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ पाएंगे, तो 50% काम आपका हो गया। बाकी का 50% आपकी लर्निंग एबिलिटी जो आपने सीखा हुआ है और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक, इंग्लिश एंड हिंदी। दो तरह की किताब है, इंग्लिश और हिंदी। 750 स्टूडेंट्स को वो पसंद है। ईच पर्सन लाइक वन और बोथ द बुक्स। जो हर स्टूडेंट है उसको या तो कोई एक किताब पसंद है या फिर दोनों ही किताब पसंद है, मतलब या तो इंग्लिश वाली या हिंदी वाली या फिर दोनों इंग्लिश एंड हिंदी वाली। मतलब ये सीधी सीधी दिख रही है आपको कि दो वेरिएबल वाला हिसाब किताब है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला हुआ है कि 180% लाइक बोथ द बुक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा बनेगा दो तरह के वाला डायग्राम। इसमें बोला गया जो ये वाला पोर्शन है वो 180 का है। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो वेन डायग्राम दो वेरिएबल वाला ऐसे बनता है। एक आप डायग्राम ऐसे बनाओगे, दूसरा ओवरलैप करके बनाओगे, और ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है इंग्लिश और हिंदी बोथ। तो बोला गया था कि 180% बोथ द बुक्स पसंद करते हैं, मतलब 180% हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक इंग्लिश इज 390। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश नहीं बोला, इंग्लिश बोला है। इंग्लिश का मतलब ये सारा का सारा एरिया इंग्लिश का है और ये सारे के सारे लोग 390 के बराबर है। दैट मीन्स अगर ये 180 है तो बाकी का एरिया कितना होगा, 180 माइनस में 390 में से 180 माइनस करेंगे तो 210 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू ओनली इंग्लिश की आ जाएगी। सिंस हमें पता था कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं, ये सारी की सारी मतलब इंग्लिश और हिंदी मिला के वो 750 है। तो ये अगर 200 है, ये 180 है, तो 750 में से जो बचेगा वो ये वाला होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर इंग्लिश का 390 है तो हिंदी का कितना होगा, 360। तो ये रहा इंग्लिश का पोर्शन 210 प्लस 180 विच इज 390, एंड हिंदी का पोर्शन क्या होगा, 180 प्लस 180 360। तो ये पूरा का पूरा हिंदी और ये पूरा का पूरा इंग्लिश हो गया। तो वेन डायग्राम बन गया। एक बार वेन डायग्राम बन गया उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने होते हैं। समझ में आ गया बिल्कुल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर डेटा डिकोड हो गया तो क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत बेसिक से होंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली इन हिंदी इज 1% मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली इंग्लिश। तो पर्सन हु लाइक ओनली हिंदी, अब इसमें अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ओनली हिंदी वाले पर्सन कितने है, 180। ठीक है, पूछा कितने पर्सन ज़्यादा है या फिर कम है द पर्सन हु लाइक्स ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश वाला 210 है। तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस में 210 डिवाइड बाई 210 इंटू में 100। That means 30 upon me 180 into 100 which is 1 by 6. 1 by 6 कितना होता है, 16, 2 by 3 percentage which is the correct answer for this question. ठीक है, किससे ज़्यादा पूछा था, what percent more less than the, तो हमेशा भी जब भी पूछे what percent more or less, तो जो बाद में होता है वो बेस में आता है। ठीक है, और डिफरेंस को आपको ऊपर लेना होता है। क्लियर है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पर्सन हु लाइक बोथ द बुक्स एंड द पर्सन हु लाइक ओनली वन बुक। बोथ द बुक का मतलब जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों पसंद हो। तो आप अगर ये वाला पार्ट देखोगे तो बोथ द बुक का है। तो यहाँ पे मैंने बोला है बोथ द बुक्स कितनी है, 180 है। ओनली वन बुक का मतलब होता है या तो उसको इंग्लिश पसंद हो या फिर ये तो हिंदी पसंद हो। तो अगर आप देखोगे तो ओनली इंग्लिश,
210 है और ओनली हिंदी जो है 180 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ओनली वन बुक वाले 390 आ जाएंगे और इनका रेशो बनाओगे तो 180:30 390 मतलब 18:39 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको अगर आप कटाना चाहो तो कटा भी सकते हो, ठीक है। 9 से कट जाएगा तो ये 9 से 2 बारी में, 9 से 3 से कटेगा 3 से 6 बारी में और 3 से 13 बारी में, मतलब 6:13 आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक इंग्लिश एंड हु लाइक हिंदी। इंग्लिश का मतलब जो पूरा का पूरा सर्कल था इंग्लिश का, वो अगर ओनली इंग्लिश बोलेगा तो ओनली इंग्लिश वाला पार्ट लेना, और हिंदी बोला है तो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला देख लो कितना कितना है। इंग्लिश वाला देखो ये पूरा का पूरा है, मतलब 210 + 180 390, और हिंदी वाला ये पूरा का पूरा है, मतलब 180 + 180 360, जो कि यहाँ पे मेंशन है आपके सामने। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। तो वही आपसे पूछा गया था डिफरेंस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन लाइक ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो सिर्फ हिंदी पसंद करने वाले लोग आप देखोगे इसमें, तो ये वाले पर्सन है हाईलाइटेड पर्सन जो यहाँ पे 180 है, वो सिर्फ हिंदी पसंद करते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर 180 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ द बुक्स। तो आपको पता है कि बोथ द बुक्स पसंद करने वाले लोग कितने थे? 180 थे। अगर वेन डायग्राम आपके सामने खोलूं तो दोनों पसंद करने वाले लोग थे 180, और टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल 750 लोग थे। तो 180 अपॉन में 750 इनटू 100 करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइड होने के बाद जो आंसर आपका बचेगा वो बचेगा 24%। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला जो वीडियो है वो समाप्त होता है यहीं पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान था इसलिए इसका लेवल 1 दिया गया है, और इसके बाद आएगा लेवल 2 और 3 4, ऐसे करके लेवल 10 तक के क्वेश्चन आएंगे। और मैं सारे के सारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो भी पीओ मेंस, क्लर्क मेंस एंड प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप ये सभी के सभी वीडियोस देखें, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन अन अकेडमी। थैंक यू सो मच।